मैं गायिका उजाला यादव आप सभी को मैं पांव छू के प्रणाम करती हूँ। आप लोग अपना बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं बिरहा के माध्यम से। ये जो बिरहा में आप लोगों के बीच में गाने चल रही हूँ, शायद अभी ऐसी बिरहा हमारे मुख से आप लोग नहीं सुने होंगे। एक अलग ही तरीके की कहानी है। कैसे मास्टर साहब? प्यार हो के प्रफुल्लित हृदय से चले, दूसरे दिल में जाकर समाया करे, एक दूसरे बिना बेचैन आशिक हुए, अश्क आंखों में दर्द बन आया करे। प्यार ईश्वर का समझो एक प्रतिरूप है, दाग इसमें कभी भी लगा नहीं। प्यार अंधा हमने भी माना इसे, अंधा बन कर के इसको मिटाओ नहीं। ही लोग करेला, केहू अपने मतारी बाप से प्यार करेला, केहू भगवान से प्यार करेला, लेकिन हई प्यार देखा जवन अंधा बना दे बा। एक अजीबे ढंग का प्यार हो गया। कैसे मास्टर साहब? एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। एक बात कहूं सजनी, एक बात कहूँ सजनी, गठिया ला चुनरिया में, एक बात कहूँ सजनी, गठिया ला चुनरिया में, एक बात कहूँ सजनी, गठिया ला चुनरिया में, बिना मोल के बिकी जेबू, बिना मोल के बिकी जेबू, माया के बजरिया में, भाव पर आप लोग गौर करी। कहना है क्या मास्टर साहब? बरसात बुरी होती, अरे बरसात बुरी होती, फागुन के अजरिया में, फागुन के अजरिया में, सोचे वाली हो। सब भाई परी सूट करी। कैसे? हर बात बुरी लगती, हर बात बुरी लगती, जब दुख बा शरीरिया में, जब दुख बा शरीरिया में, बरसात बुरी लगती फागुन के अजरिया में, हर बात बुरी लगती जब दुख बा शरीरिया में। अगर आपके अंदर कोनो प्रकार का टेंशन बा, दुख बा, तो केहू केतनो बढ़िया मस्ती मजाक करे, केतनो बढ़िया बात बतियावे, लेकिन वो जहर के समान होले। कहानी कहां से कैसे लिहल गई मास्टर साहब, तनी गौर करा तो। तो पावो
की हकीकत से फंसे वो प्रेमी कर्तव्य की मुसीबत से। सबसे पहले आप लोग कहानी पर गौर करें, कहानी कहां से कैसे लिखल गई। राजस्थान शहर के रहने वाली नीलिमा जो बीए की छात्र है, उसी राजस्थान शहर के रहने वाला नीलिमा का दोस्त जिसका नाम बताया गया सूरज, सूरज भी बीए का छात्र है। नीलिमा सूरज दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पीरियड में नीलिमा का इतना ज्यादा सूरज सपोर्ट करे। अब कभी कभी होला बाबू केहू को अगर मदद कर दे ना तो वो मदद प्यार के रूप में बदल जाला। सूरज के मदद कईल और नीलिमा के दिल में बहुत बड़ा स्थान बन गयल। नीलिमा और सूरज में प्यार हो गयल। जेकरे दिल में प्यार हो जाला ना तो नहीं जी यही दिला नहीं मुंह ही दिला ये मास्टर साहब कोई बीचवे में रेघुराई के मुंह आवेला। नीलिमा और सूरज आपस में बात करते हो कब तक हम लोग छिप छिप के मिलेंगे छिप छिप के रहेंगे। अब हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अपने अपने परिवार में हम लोग बात कर लेते हैं हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो सूरज जाकर के बाबू अपने मम्मी पापा से इस बात को बताता है कि मेरे कॉलेज के नीलिमा नाम की एक लड़की है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ तो शादी कहीं ना कहीं आप करवे करेंगे हमारी शादी नीलिमा से कर दीजिए। बहुत जिद करने के बाद सूरज के मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं लेकिन नीलिमा के मम्मी पापा क्या करते हैं मास्टर साहब एक लाइन तर्ज लगल बा गदहावा के कैसे मनई बनई बा भाव पर गौर करी बाबू। नीलिमा अपने घर में जाई के अपने मम्मी पापा से कहली कि मम्मी हमारे ही क्लास में एक लड़का पढ़ता है बहुत हैंडसम बहुत सुंदर है मम्मी और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप शादी आप लोग तो करवे करेंगे तो मम्मी हमारी शादी सूरज से करवा दीजिए। लेकिन बात का फसत बा मास्टर साहब जना आपन बिरादर ये बेटी अन्यथा मत लीजिएगा लेकिन प्यार करने से पहले एक बार आप लोग अपने हृदय में बड़े गहराई से सोच लीजिएगा। प्यार करना बहुत आसान नहीं है प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए नीलिमा और सूरज में समस्या क्या बढ़ गई।
नीलिमा दूसर बिरादर है और सूरत दूसर बिरादर है। नीलिमा के परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं अपन जात बिरादर सूरज ना बा, टोला मोहल्ला में गांव पूरा में हमार नाक कट जाई, हम कवन मुहल्ले के लोगन के सामने जाई, हमार बड़ी बेइज्जती हुई बिटिया, ऐसन कदम मत उठावा, जहां कहबू अपने जात बिरादर में तोहर हम शादी कह देबे, लेकिन सूरज अपन बिरादर ना हो तो एकरे खातिन तोहसे हम क्षमा मांगत ला बिटिया, माफ करा हमके। अब ये बात जब सुनलस नीलिमा कला सरे अपने दिल का बात मम्मी से बता डाली, अब मम्मी हमार रोड़ा परत बा हमारे प्यार में। नीलिमा गुस्सा में आ जाती है अपने मम्मी पापा से, लड़ाई झगड़ा उसी दिन से शुरू कर देती है। एक दिन की बात है बाबू, नीलिमा सूरज के पास जाती है और करती है क्या मास्टर साहब, गीत बड़ी बढ़िया बा मास्टर साहब। गांव के बदल गइल हुलिया हो, अरे हुलिया हो जब से आई चुलबुलिया, सूरज से क्या कैल जाई भाग के बियाहवा हो, अरे बियाहवा हो केहू लगाई का पहरावा, समझ गदा हवा हो, अरे गदा हवा हो केहू लगाई का पहरावा, सिर्फ ये कही बात कर रहे हैं, दुनिया जमाना क्या करेगा उससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, हम दोनों एक हैं तो एक ही रहेंगे। मम्मी पापा को मंजूर नहीं है, मम्मी पापा जात बिरादर की बात कर रहे हैं, मम्मी पापा की बात छोड़िए सूरज, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ मैं भाग कर शादी करूंगी, मैंने लव किया है, दिल से प्यार करती हूँ सूरज। ए भैया, नीलिमा का बात सुन के सूरज करत का बा मास्टर साहब, डूबे थे दोनों यासिक, अरे डूबे थे दोनों यासिक यूं ही प्यार प्रीत के प्याला में, तभी शहर में घटी है घटना, लाश मिली गौशाला में, पूरा मुख था जला हुआ, पूरा मुख था जला हुआ था, बॉडी का नुकसान हुआ, आधार आईडी मोबाइल से लाश का तब पहचान हुआ, पता के बल पर पुलिस पहुंची, अरे पता के बल पर पुलिस पहुंची नीलिमा के घर जाकर के, खबर मिली है पिता को तब गिरे हम मूर्छा खा करके। हे भैया, हाय देखा नीलिमा के सूरज का प्यार का वही प्रसंग चलत बा, जिए मरे का दोनों साथे कसम खात हुआ, चार छह दिन बीतल बा, तबले क्षेत्र में सनसनी फैल गई, पूरे क्षेत्र में खबर यही चल रही है
कि गौशाला में एक लड़की की लाश पड़ी है, गौशाला में एक लड़की की लाश कई दिनों से पड़ी है। लोग पब्लिक जाती है बाबू गौशाला में, देखते हैं लाश, कोई हाथ नहीं लगाता है उस लाश के ऊपर। पुलिस प्रशासन को फोन करके बाबू पब्लिक बुला लेती है, जब प्रशासन के लोग आते हैं पुलिस देखते हैं उस लाश के पास में बाबू एक आईडी कार्ड था, मतलब डॉक्यूमेंट सब कुछ था, और एक मोबाइल थी, और जो लाश थी बाबू ना उसका चेहरा जला हुआ था, उस पर तेजाब फेंका हुआ था, चेहरा से पहचान में नहीं आ रहा है कि किसकी लाश है। अब ये खबर जब पूरे क्षेत्र में चल रही है कि गौशाला में एक लाश मिली है, तो इधर नीलिमा भी घर से गायब है, परिवार के लोग सन्न हो गए कि लड़की की लाश है, चलते हैं एक बार देख लेते हैं, हो सके ना कि हमारी बिटिया हो। बाबू जब नीलिमा के माता पिता उस लाश के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये आईडी कार्ड, ये आधार कार्ड, ये तो हमारी बेटी नीलिमा का है, और उस कपड़े से पहचान करते हैं कि ये कपड़ा तो मेरी बेटी नीलिमा का है, मोबाइल हमारी बेटी का है। ए बाबू, माता पिता उस लाश पर गिर करके रोने लगते हैं और प्रशासन के लोग से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं मास्टर साहब? गोरी गईल पियावा के देश रोव मन मीतवा, भरी कहानी है बाबू। एक पिता कैसे बर्दाश्त करेगा जो इतना बड़ा सपना लेकर के अपने बेटी को पढ़ा रहा था, आज माता पिता का सपना टूट गया। माता पिता उस लाश पर गिर कर रोते हैं, कहते हैं क्या, सोलह आन साहब ई हमार हउ नीलिमा बिटिया, खराब हो भाई हमर दुनिया अन्हार हउ नीलिमा बिटिया। माई बाप रोत हो कहे साहब 100% हमार बिटिया नीलिमा बाओ साहब, कौन इतना बड़ा मुदैया राल हमरे रानी के चेहरवा पर तेजाब फेंक दलस, खाली रानी का चेहरवा ना चिन्हात बहे साहब, लेकिन पूरी शरीर से हम पहचानत बनी, एआईडी कार्ड से पहचानत बनी हमरे रानी कई लाश बाओ साहब। बाबू पंचनामा बन जाता है, लाश को लोग पोस्टमार्टम गृह में भेज देते हैं, पोस्टमार्टम करा के
दरोगा साहब नीलिमा के लाश को नीलिमा के मम्मी पापा को सौंप देते हैं। लेकिन उसी समय देखिए, उसी समय एक हल्ला और मचा है क्षेत्र में कि एक प्रियंका नाम की लड़की वो भी नहीं मिल रही है जो नीलिमा के साथ नीलिमा के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मिल नहीं रही है। तो प्रियंका के माता पिता जाकर के बाबू FIR लिखवाते हैं थाने पर, गुमशुदगी का FIR लिखवाते हैं। दरोगा साहब FIR लिखते हैं, ए बाबू जब FIR करा के प्रियंका के माता पिता घर जाते हैं तो इधर क्षेत्र में एक अलग तरीके का हल्ला मचा है। अब ये हल्ला क्या है कि जो प्रियंका के साथ नीलिमा पढ़ती थी एक ही क्लास में, जो प्रियंका की सहेली थी, नीलिमा की लाश तो गौशाला में मिली। अब प्रियंका के भी माता पिता नीलिमा के घर जाते हैं। जब नीलिमा के घर जाते हैं बाबू और नीलिमा के लाश को देखते हैं तब क्या होता है मास्टर साहब? अरे मोरे राम कहानी भय दो राहे पर खड़ी, केकर बात सही अब केकर लगवा मानी, अरे हो मानी, अरे हो मानी। कहानी भय दो राहो पर खड़ी, केकर बात सही केकर लोगवा मानी, गजब हो गल है भैया। प्रियंका के मम्मी पापा नीलिमा के घर जाते हैं और लाश को देखते हैं, मेरी बेटी प्रियंका की सहेली नीलिमा की लाश है। जब ये बाबू, जब चेहरा से बाबू कफन हटा के प्रियंका के माता पिता जब देखलन तो अवाक हो गइलन, अरे ए प्रियंका की सहेली नीलिमा, अरे नहीं नहीं नीलिमा नहीं है, ये तो हमारी बेटी प्रियंका है। लोग चौंक गए, नीलिमा के माता पिता कह रहे कि अरे आप क्या कह रही है मेरे दरवाजे पर आकर के, बेटी हमारी है और आप कह रही है कि आपकी बेटी प्रियंका की लाश है। नहीं ये आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी का आधार कार्ड आईडी कार्ड, हमारी बेटी का कपड़ा मोबाइल सब कुछ तो हमारे बेटी का ही था, सब डॉक्यूमेंट घटना स्थल पर ही मिला। फिर बाबू लोग प्रशासन को खबर दे देते हैं। जब प्रशासन के लोग अइलन तो अब कंफ्यूज हो गए, बातें समझ में ना आवत बा, वहां नीलिमा के मम्मी पापा लाश पे गिर के रोवत हुआ कि हमार बिटिया नीलिमा बा, यार प्रियंका का मम्मी पापा वही लाश पर गिर के रोवत हो कि हमार बिटिया प्रियंका बा, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब भैल का मास्टर साहब, सूरज भी गायब है, अरे सूरज भी गायब है। उसी दिन से पुलिस को शंका हुई अपार, नहीं मिली प्रियंका किसी को, धड़कन की बढ़ गई रफ्तार। तभी मिला रंजीत पुलिस को, तभी मिला रंजीत पुलिस को, कुछ हुआ भेद बतलाया है, मुझे मिला था सूरज करने को प्ले समझाया है। ए बाबू अब एक गड़बड़ और हो गया, उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था रंजीत। लोग बुलाए कि रंजीत जो है उसी कॉलेज में पढ़ता है, रंजीत और सूरज की गहरी दोस्ती है और प्रियंका और नीलिमा की गहरी दोस्ती है, या तो सूरज को बुलाइए या तो रंजीत को बुलाइए। लोग बाबू रंजीत को जब बुलाते हैं तो पुलिस रंजीत से पूछती है कि रंजीत ये बताइए सूरज को जानते हो? रंजीत बोला हाँ सर मैं सूरज को जानता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा नीलिमा को जानते हो? हाँ सर हमारे ही कॉलेज में पढ़ती थी नीलिमा। और प्रियंका को जानते हो? हाँ सर हमारी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा अच्छा तो बता सकते हो कि सूरज कहाँ होगा इस समय? तो रंजीत बताया कि अरे सर कुछ दिन पहले हमसे मिला था सूरज, बोला था कि कुछ स्कूल का कार्यक्रम होगा तो गौशाला में चले आना, वहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ वहीं हम लोग रिहर्सल कर लेंगे, उस कार्यक्रम की तैयारी कर लेंगे। तो साहब मैं पहुंच नहीं पाया, शायद वो अपनी तैयारी वारी करके कहीं होगा सर, ये तो नहीं बता सकते हैं। फिर प्रशासन के लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कुछ तो बताइए कि कहाँ वो ज्यादा रहता है, किसके साथ रहता है, कहाँ
बराबर हो जाता है, कुछ तो पता होगा रंजीत? हाँ सर, इतना मुझे पता है कि वो बराबर गोवा जाता है, एक रैम्बो होटल है, उसी होटल में अक्सर वो रहता है, क्योंकि वो रैम्बो होटल के मालिक सूरज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस इतनी बात जब रंजीत बताया बाबू प्रशासन के लोगों को, तब पुलिस वाले करते हैं क्या मास्टर साहब, गीत बदल गई। पिया पर छिपी का दिन चारा कचोरी धैली हला गोवा तराहिया हो मोरे देसावा के सिपहिया। छापा मारे रैम्बो होटलवा में जाई के घबरैले सूरज या नीलिमा धराई के, रहिया में पुलिस से दोनों बतावले, रहिया में पुलिस से दोनों बतावले, कैला कबूला गुना हो मोरे देसावा के सिपहिया। ए बाबू, पुलिस प्रशासन के लोग निकल जाते हैं, निकल जाते हैं गोवा, जब रैम्बो होटल में जाते हैं उस होटल के मालिक से बताते हैं इस होटल में कोई सूरज और नीलिमा नाम का है क्या। होटल का मालिक बताते हैं हाँ दूसरे मंजिले पर है। हाँ सर चलिए मुलाकात हो जाएगी, क्या बात है चलिए। जब दरोगा साहब उस होटल का दरवाजा खटखटाते हैं तो सूरज दरवाजा को खोल करके बाहर आता है, देखा अवाक हो गया सूरज, गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगा। दरोगा साहब कहा कि दाल में कुछ काला है। अरे तुम सूरज हो? जी सर, हाँ हाँ मैं सूरज हूँ। नीलिमा है आपके साथ में? हाँ जी सर, होटल में है अंदर। अच्छा नीलिमा को बुलाओ। नीलिमा सूरज आ गए, दरोगा साहब हाथ में हथकड़ी लगाते हैं और गाड़ी में बिठा लेते हैं। ए भैया, जब दरोगा साहब हाथ में हथकड़ी लगा के नीलिमा और सूरज के थाने पर लेके आइलन, दरोगा साहब पूछने की अच्छा ये बताओ रंजीत को जानते हो सूरज? सूरज बोला नहीं सर मुझे नहीं पता है रंजीत कौन है। प्रियंका को जानते हो? नहीं सर नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा तो फिर नीलिमा से पूछते हैं दरोगा साहब कि ये बताओ रंजीत को तुम जानती हो? बोली नहीं सर मुझे नहीं कुछ पता है। अच्छा प्रियंका को जानती हो? नहीं सर। तब दरोगा साहब को शक हुआ। महिला पुलिस जब नीलिमा के दो चार बेल्ट दहली बाबू न, तो आप लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला। नीलिमा आपन बात बतावत बा, यार चार छह बेल्ट जब सूरज के लगल, यार सूरज भी बतावे शुरू कैलन अपना अपना जुर्म कैसे कबूल करते हैं मास्टर साहब। अरे सब कुछ उगल सच सूरज बेईमानावा माफी दे दहो, पकड़ प्रियंका का हमर ली जनवा माफी दे दहो, मरली उनके हत्या से न चुकली हो, अचिन्ह न पावे कोई मुंह पर
कली हो और फिर पहरौली नीलिमा का वसनवा माफी दई दहो हमारा का रंजीत कर रहल पयनवा माफी दई दहो। ए बाबू दोनों अलग अलग कबूल करते हैं साहब। सूरज बोला साहब हाँ साहब गलती तो हमने किया, प्यार के चक्कर में आकर के प्यार में नीलिमा से करता था साहब, हम दूसरे जात के हैं, नीलिमा दूसरे जात की है, नीलिमा के घर वाले तैयार नहीं हुए शादी के लिए। साहब मैंने प्लान किया, नीलिमा की सहेली प्रियंका को मैंने बहाना से बुलाया था कि स्कूल का कुछ कार्यक्रम है, हम लोग वहाँ रिहर्सल करेंगे, रियाज करेंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोग देंगे। इसी बहाने से साहब मैंने बुलाया था प्रियंका को। सबसे पहले हम लोग जबरदस्ती उसको जहर पिलाए। जब वो मर गई साहब तो उसके चेहरे पर हम लोग तेजाब इसलिए फेंके कि कोई पहचान ना पावे। और साहब नीलिमा का कपड़ा निकाल करके प्रियंका को हम लोग पहना दिए और प्रियंका का कपड़ा निकाल करके नीलिमा को पहना दिए और नीलिमा की मोबाइल इसलिए हम लोग प्रियंका के पास में रखे कि कोई शक नहीं करेगा, जो भी लाश को देखेगा जो आईडी कार्ड है ये डॉक्यूमेंट इसलिए हम प्रियंका के पास में रखे थे। नीलिमा के मम्मी पापा इस लाश को देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारी बेटी मर गई और हम लोग अपनी शादी करके एक नई दुनिया बसाना चाहते थे साहब। छोड़ दीजिए साहब गलती हो गई साहब। इसी बात को बाबू महिला पुलिस से नीलिमा भी बताती है कि शादी करने के लिए हम लोग ने इतना गलत कदम उठा लिए। मैडम छोड़ दीजिए मत मारिए मैडम। लेकिन बाबू होता है क्या मास्टर साहब, अरे के हो या अपराध के हो के तनो छिपाई भैया, चलला भैया भैया।
बेचारी निर्दोष प्रियंका जो बेस्ट सहेली थी नीलिमा की, नीलिमा पापिन अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका के साथ इतना बड़ा गद्दारी करती है बाबू, अपने प्यार के चक्कर में आकर के बेचारी निर्दोष प्रियंका की जान ले लेती है। लेकिन धन ए मनाइए, भगवान रंजीत का सोच रहना है बाबू, रंजीत को भी लोग बुलाए थे कि रंजीत को भी मार देंगे, और रंजीत को मारने के बाद प्लान यही था कि सूरज का डॉक्यूमेंट, सूरज का कपड़ा रंजीत को मार कर पहना देंगे, रंजीत का कपड़ा सूरज पहन लेगा, सूरज की मोबाइल रंजीत को मारने के बाद रंजीत के बगल में रख देंगे। अब देखिए बाबू, भगवान सोच रहा है बाबू रंजीत के, रंजीत का जान तो बच गई लेकिन निर्दोष प्रियंका मरा गई। कहा जला ए बाबू वो मालिक के पास देर बा लेकिन अंधेर ना बा। सूरज और नीलिमा को हाथ में हथकड़ी लगा करके दरोगा साहब जेल में बंद किए हैं। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, सूरज टीबी का मरीज था, दवा इलाज सही टाइम पर नहीं हो पाया। समय बीतल है बाबू, उसी जेल के अंदर सूरज की मौत हो जाती है। और जब सूरज का मौत हो गई ले बाबू, तब का भल मास्टर साहब, अरे सनर प्यार बखुनवा क्या ललैया सना, ऐसन प्यार फूक दा तू मुठा पतैया सना, सगरी उमरिया रही है जेल के भितरिया, अरे सच्चा प्यार होला दिल के गहरैया सना, ऐसन प्यार फूक दा दुई मुठा पतैया सना, होला दिमाग से ना। नीलिमा सूरज इतना गलत काम कैलन अपने स्वार्थ में, अपने प्यार के चक्कर में, भगवान के भी माफ ना भेल बाबू। कुछ ही दिन साथ में था सूरज नीलिमा के, और भगवान को प्यारा हो गया। मैं प्यार करने वाले आप लोगों से कहना चाहती हूं बाबू, आज जमाना में ऑनलाइन प्यार ज्यादा हो रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं बाबू, भाइयों मेरे बहनों, जो ऑनलाइन आप लोग प्यार करते हैं, इस प्यार का कुछ भी मतलब नहीं है, इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है। ये उम्र होती है जब 18 से 20 का उम्र चले ले, तो पूरा चौकरत चले ले एकदम। जब 18 से 20 का उम्र चले ले बाबू, तो ये बड़ा थमले थमाला, इसी उम्र में आप जो चाहेंगे वही हासिल कर पाएंगे, ये आपकी गोल्डन लाइफ है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और प्यार, प्यार करने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। पहले आप कुछ बन जाइए, उसके बाद प्यार करिए, शादी विवाह करिए, नहीं तो ये प्यार 2 दिन का है और तीसरे दिन आपसे दूर हट जाएगा। और यही हो रहा है समाज में, प्यार में अक्सर लोगों की हत्याएं होती है। तो इसलिए बाबू
हम हाथ जोड़ के आप लोगों से यह कहब कि प्यार के चक्कर में बिल्कुल ना जाके अपने करियर पर आप लोग ध्यान दई, अपने मम्मी पापा अपने परिवार से प्यार करी। हई चार दिन का प्यार ना, इस चार दिन का हवस बा, हवस मिटा ली है, हवस खत्म हो जाई, प्यार वही जा खत्म हो जाई। ए लिए आप लोग अपने भविष्य की ओर देखल जाई। बिरहा के आखिरी लाइन में मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुड़कारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे कहानी भाई दूर